भिवंडी शहर में बाइक रैली निकालकर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए युवक। तस्वीर भिवंडी की है, जहां आप देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी के भिवंडी शहर युवा अध्यक्ष राहुल छगन पाटिल द्वारा बाइक रैली निकाली गई। ये बाइक रैली भिवंडी शहर के अलग अलग इलाकों में जाकर भारत जोड़ो यात्रा का संदेश देते हुए दिखाई दी। बात की जाए तो पिछले कई दिनों से राहुल गांधी सड़कों पर उतरकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा निकालकर इस भारत जोड़ो यात्रा को एकता और भाईचारा बना रहे। इस संदेश के साथ इस यात्रा में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। महाराष्ट्र में इनका आगमन होने वाला है। और इस बीच भिवंडी शहर में कांग्रेस पार्टी के युवा अध्यक्ष राहुल छगन पाटिल द्वारा बाइक रैली निकाली गई। इस रैली की शुरुआत नारपोड़ी चौक से भंडारी कंपाउंड, रतन टाकिज, धामनकरना का मंदई, छत्रपति शिवाजी महाराज चौक से होते हुए हाफिजी बाबा दरगाह पर चादर चढ़ाकर वंजर पट्टी नाका की ओर रवाना होकर एसटी स्टैंड, महानगर पालिका के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के प्रतिमा पर फूलमाला चढ़ाया गया। इस बाइक रैली में शामिल पूर्व सांसद सुरेश टावरे, प्रदेश सचिव रानी अग्रवाल, महिला सचिव रेहाना अंसारी, कांग्रेस पार्टी के भिवंडी जिलाध्यक्ष रशीद ताहिर, पीसीसी सदस्य जावेद फारूकी, पूर्व नगर सेवक अरुण राउत, कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया के अध्यक्ष अभिषेक राउत, अर्शी आजमी, कई पदाधिकारी कार्यकर्ता इस बाइक रैली में शामिल थे। इस भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीर भिवंडी शहर में भी देखने को मिली। इस बाइक रैली के आयोजक कांग्रेस पार्टी भिवंडी शहर युवा अध्यक्ष राहुल पाटिल ने क्या कहा, देखिए खास रिपोर्ट में। जिस तरह से आपके नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा बाइक रैली निकाली गई थी, काफी नागरिकों का प्रतिसाद देखने को मिला, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का पूरा नियोजन था? पूरे देश में राहुल जी गांधी जो कांग्रेस के एकमेव लीडर है, जो आगे भारत का भविष्य है, वो पूरे भारत में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। एक प्यार का संदेश पूरे भारत में देना चाहते हैं कि सब भारत में जो जातीय विषमता, जातीय झगड़ा जो लगाया जा रहा है अभी की सरकार में, उसके खिलाफ में राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा का उन्होंने आगाज़ किया। और ये यात्रा 1500 किलोमीटर के ऊपर चली गई है। अभी ये 7 नवंबर को नांदेड़ बॉर्डर पे आ रही है और ऐसे ही आगे मध्य प्रदेश की बॉर्डर की तरफ जाएगी और 15 दिन का महाराष्ट्र में समय गुजारने वाली है। हम पूरे भिवंडी में बहुत बड़ी तादाद में हम लोग महाराष्ट्र के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो गए और पूरे भिवंडी से ज़्यादा युवक हम लोग भारत जोड़ो यात्रा में पहुँचने वाले हैं।